तो फ्रेंड्स, मैंने शिफॉन साड़ी ले ली है। अब हम पहनना शुरू करते हैं। जैसे नॉर्मली साड़ी पहनी जाती है वैसे ही पहनेंगे। राइट से होते हुए लेफ्ट की तरफ को जाएंगे और एक राउंड लेंगे। शिफॉन साड़ी पतली होती है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो पेटीकोट पहन रहे हैं वो आपकी साड़ी के साथ मैचिंग वाला होना चाहिए। आप अलग कलर का अगर पेटीकोट पहनते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रख के ही पेटीकोट का चयन कीजिए। और पेटीकोट अगर 6 कट वाला रहता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उससे फिगर बहुत अच्छा आता है। और वेलवेट के जो पेटीकोट मिलते हैं वो भी आप पहन सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने पल्लू पोर्शन ले लिया है, अब हम इसके प्लीट बनाएंगे। तो लास्ट वाला प्लीट यहाँ पे ख़त्म होगा एंड देन हम प्लीटों को सेट करेंगे और ऐसे घुमाते हुए अपने लेफ्ट हैंड के शोल्डर में ले जाएंगे। तो शिफॉन साड़ी का एक फायदा ये होता है कि आपको प्लीट्स के लिए ज़्यादा झमेले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि झटपट प्लीट बन जाते हैं जैसा चाहिए आपको। तो मैं पल्लू पोर्शन को अपने हार घुटनों के नीचे रखूंगी, जितना देख सकते हैं, एंड देन मैं इन प्लीटों को प्लीट कर सेफ्टी पिन लगा दूंगी। तो मैंने अभी ब्लाउज के साथ सेफ्टी पिन नहीं लगाया है, क्योंकि मैं पहले सेंटर के प्लीट्स बनाऊंगी, देन मैं ब्लाउज के साथ सेफ्टी पिन लगाऊंगी। तो फिलहाल नॉर्मली मैं पल्लू पे सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। तो ये रहा मैंने सेफ्टी पिन लगा दिया। अब मैं पल्लू को अपने कंधे पे रख रही हूँ। अब हम सेंटर के प्लीट्स बनाएंगे। तो सेंटर के प्लीट्स बनाने के लिए इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्लीट्स बन जाते हैं, बहुत ही मतलब आपको ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलो हम बना लेते हैं। पहले तो आपको ये वाला जो बॉर्डर है उसे ध्यान रखते हुए यहाँ पर पहले एक टक कर लेंगे एंड देन जो ये पोर्शन हमारा बचा है हम इसके प्लीट्स बना लेते हैं। तो प्लीट्स बना लिया, प्लीट्सों को सेट कर लेते हैं और यहां पर एक सेफ्टी पिन लगा लेते हैं। एंड देन हम इन प्लीटों को टक कर लेंगे। तो हमने प्लीटों को टक कर लिया है, अब हम पल्लू पोर्शन को सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम पल्लू पोर्शन को सेट करेंगे। तो पल्लू पोर्शन के लिए मैंने सेफ्टी पिन लगाया था और अब हम मुझे पल्लू को यहाँ पे सेट करना है, तो इसे सेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जितने भी प्लीट्स हैं उन्हें हम पहले सेट करेंगे। क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को यहाँ से खींचते हुए हम अपने कमर के इधर एक सेफ्टी पिन लगा देंगे, जिससे कि थोड़ा सा स्लिम लुक आए। उसके लिए मैंने कमर के इधर हम सेफ्टी पिन लगा रहे हैं, यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगा दिया है। एंड देन हमारा ये वाला खिंचाव पड़ चुका है, तो आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन ऑलरेडी स्लिम हो गया है। अब हम ऊपर वाले पोर्शन को सेट करेंगे। ऊपर वाले पोर्शन को सेट करने के लिए सारे प्लीट्सों को ठीक करेंगे और सारे प्लीटों को इसके अंदर घुसा देंगे, जैसे मैं दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, सारे छोटे प्लीटों को इसके अंदर घुसाकर जो ये वाला बॉर्डर है उसे रखेंगे और जो ये वाला जो मेन बॉर्डर है उन्हें रखेंगे और बाद बाकी प्लीटों को हम कवर कर देंगे, मतलब इन बड़े प्लीटों के अंदर घुस मतलब सेट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्लीट्स बना दिए हैं, यहाँ पर ऑलरेडी छोटे छोटे प्लीट्स बन चुके हैं। एंड देन हम इन सब को लेकर इन सब एक साथ को टच कर हम यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। तो बैक साइड से पिन कर लें, तो हम इसे सबको पकड़ के पिन कर लेंगे। ओके, तो पिन कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पिन कर लिया है और मैं साड़ी पहनकर बिल्कुल रेडी हूँ। तो चलो मैं आपको पूरा लुक दिखा दी हूँ। तो आप बैक साइड को देख सकते हैं और फ्रंट के साइड को देख सकते हैं, साइड के साइड को भी देख सकते हैं और आप मेरे यहाँ के सामने के फ्रंट के प्लीट्स भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेट तरीके से पड़े हैं और आपका लुक भी बहुत स्लिम लग रहा है। वैसे भी शिफॉन की साड़ी पहनने से आपको स्लिम लुक लगता है। तो चलो मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।